गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और जहाँ मैं अपने वीडियोस में बात करती हूँ स्टाइलिंग टिप्स के, ज्वेलरी आइडिया और बहुत सारे हैक्स वगैरह आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाली हूँ, उसमें आगे जाने से पहले मैं आपको अपना जो रात का दुपट्टा है ना, वो आपको दिखा देती हूँ कि ये साड़ी पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुकी है। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो शाम को बनाई थी और ये उस समय रेडी नहीं था, और उस वीडियो फिनिश करने के बाद आधे घंटे के बाद ही मैंने इसको रेडी कर दिया था। पूरी तरीके से मैंने इसको बना के रेडी कर दिया है और अब देखिए इसमें मैंने छोटे छोटे स्टोन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद आ गया है। बहुत सुंदर लग रहा है और मैं इसको कितने तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ तो वो तो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आज मैं कहीं गई नहीं हूँ। और क्योंकि निशु के दांत में दर्द हो रहा था, इसकी उसकी जो है छुट्टी करा दी मैंने। तो ये देख सकते हैं बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसकी शाइनिंग जब रात में लाइट पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगने वाला है। तो अभी इसके मेरे पास बहुत सारे कपड़े बच गए हैं, जैसा मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 2.25 मीटर खरीदे थे, जिसका 4 मीटर बन गया, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ गाइज ना, आप लोग भी कहेंगे कि दीदी आप इतने सारे आइडिया लाते कहाँ से हो। गाइज आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा। गाइज हो सकता है जैसे हम कोई चीज़ हमें पसंद आती है, हम खरीद लेते हैं और उसे अपने कपड़ों के साथ ज्वेलरी पहन लेते हैं, सैंडल पहन लेते हैं, पर्स ले लेते हैं, जैसा मन करता है वैसा हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि यार हर किसी के साथ ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर कोई चुटकी बजाई और नई नई साड़ियाँ खरीद ली, नई नई ज्वेलरी खरीद ली, नए नए पर्स खरीद लिए। बहुत सारे लोगों का जो है ना पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि हर किसी के फंक्शन के लिए हर नई नई चीज़ें खरीदी जाए। तो मैंने सोचा यार आप क्यों ना आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे हैक शेयर किया जाए, अच्छे अच्छे आइडिया शेयर किया जाए। लेकिन गाइस आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और चले गए स्किप करके, या फिर वीडियो देखा फिर उसके बाद कोई चीज़ आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो वो चीज़ कंप्लीट कैसे होगी। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा हो सके इसलिए मेहनत करते हैं। तो उस मेहनत को अगर आप यूज़ ही ना करें, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपने वीडियो देखा और आप चले गए, ठीक है, आपने फिर किसी और की वीडियो देखी, आपको मज़े आ रहे, लाइक किया, डिसलाइक किया और चले गए, मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा ये है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, तो गाइस जो तारीफ़ होगी ना वो आपकी खुद की होगी, हमारी नहीं होगी, आपकी खुद की होगी। जो आपसे आपके जो रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, तो जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके यार होंगे, मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, वो आपसे ही पूछेंगे कि आपने इसको कहाँ से ख़रीदा या फिर आपने इसको कैसे किया। जब आप बहुत गर्व से कहते हो ना कि इसको मैंने ख़रीदा नहीं है, मैंने खुद से बनाया है, तो वहाँ पे आपकी तारीफ़ जो है ना बढ़ जाती है। ये छोटे छोटे बहाने कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे सामान नहीं मिलता है, मुझे बॉल चेन नहीं मिलेगा, मुझे स्टोन चेन नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, आज मैं उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको बता दूंगी। अब ये आप मत कहना कि आपके घर में छोटे छोटे लेस के टुकड़े नहीं होते होंगे, या फिर छोटे छोटे कतरन नहीं होते होंगे, या फिर आपके पास ओल्ड क्लोथ नहीं होते होंगे, वो पुराने कपड़े नहीं होंगे, ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं। हर किसी के घर में छोटी मोटी मोतियाँ या पुराने ब्लाउज के लटकन, ब्लाउज के लेसेस और पुराने बैंगल्स को आप नया लुक दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लेन नहीं करिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज मैं आपको उसका भी सलूशन बताऊंगी। मैं नहीं कहूंगी कि आप जाइए बॉल चेन लीजिए, आप जाइए स्टोन चेन खरीदिए, आप जाइए महंगे महंगे क्लोथ खरीदिए, उसके बाद आप बैठ के DIY करिए। आज मैं आपको ये बात नहीं बोलने वाली हूँ। ये मेरे पुराने कड़े थे जिसके स्टोन पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे, पूरी तरीके से इनके स्टोन, और क्योंकि ये जयपुर के कड़े थे, पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे। अब मैंने इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए इसमें 4 कलर यूज़ करके बहुत सुंदर सा कड़ा बनाया है, तो जो कि किसी भी साड़ी सूट के साथ यूज़ हो सकता है। इसके साथ मैंने 4 कड़े मोती वाले बनाए हैं
और ये मोती भी मैंने जो पुराने लटकन होते हैं ना उनमें से निकाल निकाल के भी रखे थे काफ़ी सारे। मैं आपको आइडिया बता रही हूँ क्योंकि मैं जो है मेरे पास DIY की सारी चीज़ें होती है क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है तो इस वजह से होती है। तो आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे बॉल चेन लगाइए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, आपको ये आइडिया बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये चीज़ मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मैंने रात को जो है ना जो भी मेरे पुरानी पुरानी चीज़ें थी उनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना निकाल निकाल के रखी है। ये डोरियाँ हैं और ये पुराने इयररिंग्स है जिसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, कुर्सिया से बनाने वाली हूँ। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ जो कि मेरे पुराने चूड़ियों के लटकन थे, बहुत सारे मैंने निकाल के रखे हैं, अनलिमिटेड हैं, मतलब कि कम से कम 30 से 40 पीस होंगे या फिर बहुत सारे हैं। मैं अभी आपको सारे नहीं मेरे हाथ में आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं ये किस तरीके से हैं। आप ये देख लीजिए ये कटोरी के शेप में है। मैं अभी आपको इसकी चूड़ियाँ भी दिखाऊंगी कि कैसी चूड़ियाँ है। और आप देखिए कि ये मेरे पुराने लटकन में से ये बहुत सारे घुंघरू और ये बहुत सारे गोल्डन मोतियाँ निकली हुई है। तो सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास तो ज्वेलरी का वो डोरी नहीं है, मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ या फिर मैं पुराने, ये देखिए मैंने सारा जो है ना निकाल निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो आज मेहनत होने वाली है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है ताकि आप लोग ये ना कह पाओ कि हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। ज़रूर अगर आप जहाँ पर चाहत होती है ना वहीं पर आपको राह तो अपने आप मिलेगी। तो नहीं खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई खरीद सके। बहुत सारी मोतियाँ स्टोन बॉल चेन, तो आज मैं उसका भी आपको प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगी। ये मैंने 4 कड़े बनाए हैं अपने पुराने कड़ों से जो कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। तो ठीक है मेरे पास स्टोन है क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा वर्क है करना, लेकिन आप लोगों के अभी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, आप वेट करो। ये आप 10 रुपये का क्रूसिया खरीद सकते हो, जैसे आपकी ये पुरानी इयररिंग्स है तो आप इसमें बुनाई करके आप इसको एक नया लुक दे सकते हो। तो ये छोटे छोटे आइडिया जब आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पैसा बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। ये मैंने इस तरीके से बना के रखा है और ऐसे बहुत सारी बैंगल्स है जिसे मैंने घर पर बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच करने में बहुत ईजी होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज़ करती हूँ या फिर आप लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो ये मेरे 4 और 4 8 पुराने कड़े थे, आप इसमें देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे से लटकन लगे हुए थे जिनमें से मैंने बहुत सारी मोतियाँ और वो छोटे छोटे गोल से निकाल के रखे हुए हैं ये, और उसके बाद ये कड़ा बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके जितने भी चैन वगैरह थे ना सब खराब हो गए थे, काले पड़ गए थे, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इन सबको अलग कर लिया है और एक साइड में इसको मैंने सिक्योर करके रख दिया है। फेंकूँगी मैं एक चीज़ भी नहीं, जैसा कि अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, फेंकने से पहले एक बार सोचती ज़रूर हूँ। और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके घर में पेन यूज़ हो रहा है तो पेन के जो स्टार्टिंग के जो छोटे से कैप होते हैं ना जो उसमें फिट होते हैं उनको भी आप कभी नहीं फेंके, उनसे भी बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनती है। आप उनको भी हमेशा जो है मतलब संभाल के रखिए। तो आप देखिए इसमें से मैंने निकाल लिया, अब ये कड़े ये जो बचे हैं ना इनको मैं फिर से डिज़ाइन कर दूंगी, इसको मैं एक और नया लुक दे दूंगी, तो ये भी नया हो जाएगा और जो मैं बनाऊंगी वो भी नया हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी आइडिया से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि महंगे महंगे ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। इस तरीके का जो लेस होता है ना बहुत सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये एक मैं लेस लेकर आई थी जो कि वेलवेट के ऊपर बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरीके से ये था और कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लग गया था तो मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी ना
एक चोकर बनाऊंगी। एक टाइम था जो ब्लैक चोकर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी तरीके से अगर आप और लेस खरीद के यहाँ से कट करके आपको बस एक इसमें डोरी लगानी है, इस तरीके की जो डोरी होती है, मैं कपड़ों से भी आपको डोरी बनाना बताऊंगी। ये सिर्फ 2 रुपये मीटर मिलता है, 2 रुपये का तो आपको पूरा गच्छा मिल जाता है, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास पुराने पड़े हैं, मैं और देख सकते हैं डोरी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इन्हीं डोरी से मैं आपको ज्वेलरी बनाना बताऊंगी। फिलहाल मैं क्या बना रही हूँ अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास ये शादी का कार्ड है, और जिसके मतलब ये इस तरीके से बहुत लोगों के पास शादी का कार्ड होता होगा, तो अर्जेंट में किसी वेडिंग में जाना है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आइडिया बताने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, मैं इस वेडिंग के जो कार्ड है ना, इसको मैं एज अ क्लच यूज़ करने वाली हूँ। और ये आइडिया स्पेशल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और ये काफ़ी मजबूत है, ये फटने वाला नहीं है। जब इस पर बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह लग जाएंगे, वेलवेट लग जाएगा, डिजाइनिंग हो जाएगी, तो आप इसका लुक समझ ही नहीं पाएंगे। मैं इसी से बनाने वाली हूँ बहुत सुंदर सा एक क्लच, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पास पुराने पर्स के बहुत सारे चैन है, उसको भी मैं लगा दूंगी, लेकिन मैं अपने साड़ी की मैचिंग का हैंड क्लच बनाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी से कुछ आइडिया लगा के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, मतलब कुछ भी आज के टाइम पे वेस्ट नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े बर्तन वाली को या फिर दे देते हैं। मैं भी बहुत सारे कपड़े बांट देती हूँ, ऐसा नहीं कि अपने पास ही सारा संजो के रखती हूँ, बांट ही देती हूँ। तो उनको भी बांटने से पहले, देने से पहले आप उनका भी बहुत सारा रिपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, कि आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ जो है बेकार नहीं होती, सब यूज़फुल होती है। तो चलिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं अभी आप लोगों को जो समझाना चाहती थी कि वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि शायद मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो तो मेरी बातों को समझ ही गए होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉल आपने देख ही लिया कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसे किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये अपने आप में ही एक नया, बिना कुछ, बहुत कम मेहनत में ये रेडी हो गया है, देख रहे हैं। तो ये साड़ी भी बन चुका है, शॉल भी बन चुका है, और जैसे मैंने आप लोगों को आइडिया रात को शेयर कर ही दिया था, तो उस समय ये पूरी तरीके से रेडी नहीं था, अब रेडी है ये पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके की आइडिया आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास ब्लू वेलवेट है, इसकी मैंने पिछले साल कुर्ती बनाई है, ये भी वेलवेट नहीं है, ये भी सलीन का ही कपड़ा है, इसकी मैंने कुर्ती बनाई है। तो मैं कुर्ती भी मैंने घर पे ही बनाई है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो है शादी का कार्ड जो है ओपन कर लिया है, और इसे ओपन करना बहुत ईजी है। और मैंने एक वेस्ट जो मेरा फैब्रिक ग्लू था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, उसे मैंने ठोक ठोक के पीट पीट के यहाँ पे अच्छे तरीके से सारे कार्ड में फैला लिया है, लगा दिया है। और जितना भी था मैंने सब फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लिया है, क्योंकि मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, काफ़ी दिन से संभाल के रखा था। तो यहाँ पर मैं सलीन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने चिपका दिया है, और ये बहुत आसानी से चिपक भी जाता है। और जो क्लच बनते हैं उसमें भी कार्डबोर्ड का यूज़ होता है, तो आप कोई भी प्रकार का कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ये शादी का कार्ड जो है ना काफ़ी हार्ड था, और बनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो जो भी इसकी कटिंग थी ना, बस वही मैंने किया है, इसमें कोई भी मेरी स्पेशल अलग से मेहनत नहीं लगी है, बस मुझे इसे चिपकाना पड़ा है बहुत फिनिशिंग के साथ। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ करिए तो फिनिशिंग के साथ करिए, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और बनने के बाद भी अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे मैं शादी के कार्ड पे चारों तरफ चिपका लूँगी अपना सलीन का कपड़ा, और अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही बनाना है। और जो ऊपर का साइड है उसे मैंने अंदर से एक्स्ट्रा कटिंग कर करके चिपका दिया है। तो डेट सीट गाइज, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत वाली चीज़ तो है नहीं, कि जो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और वेस्ट मटेरियल से ही मैंने बनाया है इसको। तो कोई भी चीज़ करे, दिल से करे, शिद्दत से करे, तो वो चीज़
आपकी बहुत अच्छे से बनती है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर की तरफ, उसे मैंने अंदर की तरफ चिपका लिया है। और लास्ट में बस जैसे जैसे कटिंग है इस शादी के कार्ड की, वैसे वैसे कट करके मैं अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को चिपका रही हूँ फैब्रिक ग्लू से। और फैब्रिक ग्लू जो है फैब्रिक पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और एक बार चिपक जाता है तो जल्दी उखड़ता भी नहीं है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। बहुत मैंने नीट एंड क्लीन के साथ काम किया है। और शादी का कार्ड आया था, वेडिंग सीज़न चल ही रहा है, बहुत सारे आप लोगों के घर में भी इस तरीके की शादी के कार्ड होंगे, तो आप उसे फेंकने से पहले ना, कबाड़ी में देने से पहले या कूड़े वाले को देने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि क्या उसका कुछ यूज़ हो सकता है। तो आपको बहुत सारे आइडिया होंगे, आइडिया आपके आसपास ही होता है, बस ज़रूरत होती है उसे सोचने की, समझने की। तो आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप रीयूज़ करके आप उसे अच्छे से अच्छा चीज़ बना सकते हैं। मैंने भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, मैं इसका जो है क्लच को बनाने के साथ साथ अपने घर के काम भी कर रही हूँ। मेरे घर में कपड़े भी धुल रहे हैं, और सारे घर के काम करने के बाद ही मैं ये सब चीज़ें करती हूँ एक्स्ट्रा, जो भी टाइम बचता है मेरे लिए। तो बस अब इस ये वाला फैब्रिक ग्लू भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, मैं जैसे तैसे इसमें निकाल निकाल के काम कर रही हूँ। और काफ़ी सारी मैंने चूड़ियाँ भी बनाई है, और सब भी जो पुराने बैंगल्स हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा पुरानी चूड़ियाँ कड़े जो होते हैं उसको भी फेंक देते हैं, आप उसे भी रीयूज़ करके अच्छे से अच्छा, उससे भी ज़्यादा सुंदर कड़े बना सकते हैं। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे आइडिया DIY आप लोगों को हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। तो वेडिंग सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि यार गाइज आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे आइडिया शेयर करूं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर मेरे आइडिया मेरे DIY आप लोगों को थोड़ा से भी पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, क्रिएटिविटी लगते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो और कुछ नहीं है गाइज, आपके एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाता है, ना आपके पैसे कटते हैं ना कुछ और। तो बस आप अपना एक लाइक देके किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, बस डेट्स इट, यही मेरा पर्पज़ है। तो शादी का कार्ड का जो पूरा शेप है ना, ऑलमोस्ट एक क्लच की तरह ही है, क्योंकि शादी का कार्ड ही जो बाहर का आता है ना लिफाफा, वो ऐसा ही आता है। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में छोटे शादी के कार्ड भी होते होंगे, छोटा क्लच भी बना सकते हैं। अगर आपके पास शादी का कार्ड भी नहीं है तो ज़रूर कार्डबोर्ड का टुकड़ा तो होगा ही होगा, तो आप इसी तरीके का शेप कार्डबोर्ड के टुकड़े से भी कट करके बना सकते हैं। तो ये मत कहिए कि आपके घर में कागज़ का टुकड़ा नहीं है, कार्डबोर्ड नहीं है, या फिर शादी का कार्ड नहीं है, या फिर कोई बेकार कपड़ा नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप वेलवेट ही यूज़ करिए, सलीन ही यूज़ करिए, आप कोई भी पुराना फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, अपने कुर्ती में से अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू ले लीजिए, उसमें बहुत सारे सीक्वेंस के काम होते हैं, इससे भी ज़्यादा सुंदर आप बना सकते हैं अपना शादी के लिए कोई भी क्लच। आप अपने जो भी साड़ी है उसके साथ मिक्स एंड मैच करके चूड़ियाँ, ज्वेलरी और क्लच, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और ज़रूरत होती है तो आपको अपने आसपास देखने की, बहुत सारे लटकन होते हैं पुराने, तो बहुत सारे ब्लाउज के जो पीस होते हैं ना, हम कई बार ऐसा होता है कि हम उनको सिलवाते नहीं हैं, तो वो हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते हैं, आप उनका भी यूज़ करके जो है इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, कोई बहुत मेहनत की चीज़ें नहीं है। तो बस डिपेंड ऑन यू कि आप कितना मतलब अपने चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं या फेंकना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर ही है। बाकी मैंने इसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं किया है, बस अपना आइडिया अपनी क्रिएटिविटी ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर हेल्पफुल लगती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर मेरे किसी भी वीडियो से आपको मदद मिलती है। किसी की भी वेडिंग है, आपको जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप नए नए चीज़ें खरीदिए। तो मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर ही आती हूँ, मेहनत भी करती हूँ, और आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती भी होगी कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली कितना मेहनत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लिए भी मेहनत करती हूँ। तो बहाने बनाने वाले लोग बहाना बनाना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी 5-10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट नहीं मिलता होगा, अपने लिए ज़रूर मिलता होगा, जिसमें आप रेस्ट करते होंगे या फिर आप इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस जैसे जैसे कार्ड था वैसे वैसे मैंने फैब्रिक चिपका दिया दोनों तरफ, क्योंकि मुझे
ऐसा नहीं दिखाना है किसी को कि ये शादी का कार्ड था। तो बस अब मैं इसे यहाँ पे स्टोन से डेकोरेट कर रही हूँ, जैसा मैंने शॉल में डेकोरेट किया था, क्योंकि मैं उसी का सेट बना रही हूँ। तो डेट्स इट गाइस, मेरा यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लच बन के रेडी हो गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरे साड़ी का कपड़ा ही बचा हुआ था जिसे मैंने अपने साड़ी का डिज़ाइन किया है, घर पर ही साड़ी डिज़ाइन किया है। और भी ऐसे आइडिया देखने हैं तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे आइडिया लेकर आती रहूँगी। तो ये आप लोगों के लिए एक वेडिंग स्पेशल हैक्स मुझे शेयर करनी थी, जो कि मैंने कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाया करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए अब इसे थोड़ा मैं फर्स्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि अब इसमें करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और साथ में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, घर के सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हाउसवाइफ है ना, तो अपने घर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी ज़रूर करना चाहिए गाइस, हर किसी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है बहाने बनाना नहीं चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ, अब आप लोगों को ये क्लच रेडी हो गया है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो पूरे 30 मिनट्स में मेरा एक जो है क्लच बन के रेडी हो गया है। और करने वालों के लिए सब कुछ आसान है, ना करने वाले लोगों के लिए हज़ारों बहाने हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, जिसे जो करना होता है वो करके दिखाई देता है। और कपड़े भी धुल गए, मैंने बाहर फैला भी दिए, खाना भी बन रहा है साथ के साथ, और मेरा ब्यूटीफुल सा क्लच बन के रेडी हो गया है। और इसे मैं अभी हॉट ग्लू गन से चिपका दूंगी, मेरा ग्लू जो है गर्म हो रहा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वेलवेट लगाया है और एज इट इज इसके शेप बने हुए थे। और मैं बता दूं, जो क्लच बनते हैं ना, उसकी कटिंग जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है जैसा कि एक शादी के कार्ड में बना होता है। तो मुझे इसमें कुछ भी करना ही नहीं पड़ा। शादी का कार्ड आया था हमारे घर में, और 2-3 शादी के कार्ड हमारे घर में और भी हैं। तो देख सकते हैं, जैसा मैंने अपना शॉल बनाया था या फिर साड़ी बनाई थी, सेम टू सेम वैसे ही मैंने क्लच बना के रेडी कर दिया है। और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा यहाँ पे, इसे मैं अभी चिपका के अंदर कर दूंगी, तो ये जब चिपक जाएगा तो ये नज़र नहीं आएगा। और अच्छे से ये फोल्ड, जैसे फोल्ड था मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे कोई बढ़िया सा बटन लगा सकते हैं, इसको और भी स्टाइलिश बना सकते हैं। तो मेरा जो काम था ना, कि आप लोगों को आइडिया शेयर करना था कि ज़रूरी नहीं है कि हर साड़ी के साथ हम हर तरह के पर्स खरीदे, क्लच खरीदे, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मार्केट जाए। मेरा जो बेसिकली आप लोगों को समझाने का और बताने का एक ही मेरा मकसद था कि आप लोग जो है पुरानी चीज़ों को अपने घर में वेस्ट मटेरियल से, अपने घर में पुराने कपड़ों के टुकड़ों से इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। अगर कुछ आपका जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत जाता है। बाकी आप ये मत कहिए कि हमें मार्केट नहीं जाने का टाइम है, हम स्टोन नहीं खरीद सकते, हम ये नहीं खरीद सकते। शायद आपके घर में ऐसे बहुत सारे कबाड़ होंगे, ऐसे बहुत सारे जुगाड़ होंगे जिसे आप यूज़ कर करके अच्छे से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं। तो जो कपड़ा बचा था उसे भी मैंने यूज़ कर लिया है, और मेरे साड़ी के साथ एक ब्यूटीफुल सा क्लच जो है बनके रेडी हो गया है। और आप सबको पता है, ये जो क्लच आते हैं इसमें कार्डबोर्ड का यूज़ ज़रूर होता है। तो मुझे ना कार्डबोर्ड की कटिंग करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, सिर्फ अपने कपड़े को यूज़ करना पड़ा, थोड़ा सा अपना माइंड, अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ी, और ये ब्यूटीफुल सा क्लच बनके मेरा जो है रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें चेन लगा सकते हैं, और किसी भी वेडिंग में लेके जाने के लिए ये पर्स जो है ना रेडी है पूरी तरीके से। कोई भी नहीं कहेगा कि उनके घर से जो आपके लिए शादी का कार्ड आया था ना, ये वही वाला पर्स आप यूज़ कर रहे हैं। आपको ये कोई नहीं कहने वाला है कि शायद आपने उनके शादी का कार्ड ही यूज़ कर लिया होगा। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का मतलब यही था कि आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल हो, आप अपना थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम निकाल के इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप देंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। ना फ्रंट से ना बैक से देख सकते हैं, पूरी मैंने नीड एंड फिनिशिंग के साथ इस पर्स को जो है रेडी किया है, और ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये शादी का कार्ड ही है। तो देख सकते हैं, मैं इस पर्स को यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको बना के बताने के लिए बनाया है और फिर इसको मैं कहीं ना कहीं कहीं रख दूँगी, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए भी रेडी है। जब ये पूरी तरीके से मैं इसको हॉट ग्लू गन से चिपका लूँगी, अगर आपके पास ग्लू नहीं है ना, तो मार्केट में बहुत सारे
10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में स्टिक आते हैं। मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है, कुछ स्टोन यूज़ किए हैं, वेलवेट का कपड़ा यूज़ किया है जो कि मार्केट में आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और आपके पास ऐसे बहुत सारे सूट होंगे, कुर्तियाँ होंगी, पुराने होंगे जिसे आप नहीं पहनना चाहते होंगे, तो आप उसका भी रीयूज़ करके इस तरीके का पर्स बना सकते हैं। अब शादी का कार्ड तो ऐसा नहीं कि आपके घर पर शादी का कार्ड नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो ये सब ओ तो वीडियो की वजह से अक्सर मेरी चाय जो है ना जल जाती है, और जल के जो है आधा कप हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों को आइडिया शेयर कर दिया है, बनाना ना बनाना आप लोगों का काम है। कोई चीज़ देखा करिए तो उसे ज़रूर एक बार ट्राई कर किया करिए, क्योंकि अगर आप उसको देख के इग्नोर कर देंगे तो फिर उस चीज़ को आप कभी कर नहीं पाएंगे। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ के एंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने शुरुआत किया तो उस चीज़ का एंड जरूर होगा, आप उसको फिनिश कर पाएंगे। चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए। जैसे कि आपने इस पे गोंद लगा दिया और कपड़ा लगा दिया चिपकाने के लिए, ये सूख रहा है, आप बाकी और काम कर लीजिए, फिर आइए, फिर करिए, फिर ऐसे ऐसे करके आप जरूर टाइम निकाल पाएंगे। ये सब बहानेबाजी होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। और भी आप लोगों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हैक्स हैं, तो ऐसे ही मेरे वीडियोस में बने रहिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे ना तो लाइक ज़रूर दे के जाया करिए, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं। और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं होती है, स्पेशली आप लोगों के लिए भी होती है। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसका मैं कुछ और चीज़ें भी बनाऊँगी, ज्वेलरी भी कपड़ों से ही बनाऊँगी, और बैंगल्स जो है वो भी मैं इन कपड़ों से ही बनाने वाली हूँ। तो कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।